Hello guys, welcome to my channel Tech Poison, and today I'm gonna show you how to flash or unbreak repair Sony Xperia LT26i. Okay, so आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सोनी का डिवाइस है सोनी एक्सपीरिया LT26i, तो इसे आप कैसे फ्लैश कर सकते हैं और कैसे अगर आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर ब्रेक हो चुका है, जैसे मेरा फ़ोन अभी सॉफ्टवेयर ब्रेक हो चुका है, तो इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये फ़ोन आपका बूट अप नहीं लेता है, स्टक हो जाता है और सोनी के लोगो पे, ओके, तो ये सोनी का लोगो आता है यहाँ पे, इस पे स्टक हो जाता है, इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं आप, तो आप मैं आपको आज ये बताऊँगा। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सिस्टम में आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे अपना फ़ोन अनब्रिक करना है। सॉफ्टवेयर ब्रिक हो चुका है आपका फ़ोन अगर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ फाइल्स डाउन करनी है, उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप डाउन कर सकते हैं उन्हें। और मैं आपको बताता हूँ फाइल कौन सी हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास दो फाइल डाउन होंगी, एक तो आपका फर्मवेयर डाउन होगा, ये आपका फर्मवेयर है, तो ये तकरीबन 400 MB का है, 458 MB का। एंड आपके पास यहाँ पे एक फ्लैश टूल भी डाउनलोड होगा आपके, वो है 148 MB का। तो आपको ये डाउन करने हैं दोनों, इनकी लिंक आपको एक जिप फाइल में मिलेगी आपको कंप्रेस्ड हुई, तो वो आपको डाउन करनी है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउन कर सकते हैं। तो आगे प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट आपको फ्लैश टूल है जो आपको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में, तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, कंप्लीट हो चुका है, इसे नेक्स्ट कर लीजिए। ओके, फिनिश। ओके, इसको फिनिश होने के बाद मैं आपको क्या करना बताता हूँ। मैं आपको फर्मवेयर में जाना है। ओके, फर्मवेयर लीजिए यहाँ से, आपको इस फर्मवेयर को कॉपी करना है, कॉपी। ओके गाइस, तो फाइल कॉपी होने के बाद में आपको क्या करना है, इसे आपको जाना है विंडोज सी में, जो आपका सी ड्राइव होता है उसमें जाना है आपको। यहाँ पे आपके पास एक यूज़र्स का फोल्डर होता है, उसे आपको ओपन करना है, और पब्लिक के ऊपर आपका वो फोल्डर होता है जिससे आपका सिस्टम नेम, जो आपका सिस्टम नेम होता है। ओके, तो इसे ओपन कर लीजिए फाइल को, और यहाँ पे एक डॉट फ्लैश टूल करके एक फोल्डर है, इसे ओपन करना है, और देन उसके बाद में एक फर्मवेयर करके फोल्डर है, उसे ओपन करना है, और देन यहाँ पर आपको जो फाइल आपकी कॉपीड फाइल है उसे पेस्ट करना है। ओके, सिंपली पेस्ट होने के बाद इसमें आपको क्या करना है, आपको जो आपने फ्लैश टूल इंस्टॉल किया था इसका, तो उसे ओपन करना है आपको। चाहे तो आप अपना विंडोज़ जो भी आपका शॉर्टकट, जहाँ पे अगर आपका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाया शॉर्टकट है उसका, तो वहाँ से ओपन कर लीजिए, या फिर स्टार्ट मेन्यू में पड़ा हुआ है तो वहाँ से ओपन कर लीजिए। जैसे ये फ्लैश टूल है, तो मैं आपको जहाँ से मैंने इंस्टॉल किया है वहाँ से आपको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। जैसे ये फ्लैश टूल का फोल्डर है जहाँ पर इंस्टॉल किया है मैंने, तो आप अपना जो भी आपका 32 का है, 32 बिट से ओपन कर सकते हो, 64 बिट का है, 64 बिट से ओपन कर सकते हो आप इसे। रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना है इसे। ओके, कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फ्लैश डिवाइस का एक लोगो शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और फ्लैश मोड पे आपको ओके करना है इसे।
देन यहाँ पे अब देख लिया आपके पास एक सोनी एक्सपीरिया एस के फोल्डर बना है आपके पास। तो इसको जैसे आप ड्रैग करोगे इसको एरो को, तो यहाँ पे आपके पास एक फाइल है आपके पास शो हो जाएगी। ये आपकी फाइल है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये फाइल्स सारी वो शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ है जो आपको करनी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं वाइप डेटा के लिए, तो आपको है एप्स लॉक और यूज़र डेटा। तो इन दोनों को आपको चेक करके ही फ्लैश करना है अपना डिवाइस, क्योंकि अगर आप इन्हें दोनों को चेक करके अपना डिवाइस फ्लैश नहीं करोगे तो आपका डिवाइस जो बूट लोगो है आपका, जैसे आपका डिवाइस फ्लैश फ्लैश तो हो जाएगा लेकिन आपका जो डिवाइस है आपका पूरा रिस्टार्ट रिबूट नहीं हो पाएगा, वो आपका स्टार्ट लोगो पे आपका स्टक हो जाएगा। जैसे सोनी का लोगो आएगा उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ेगा तो वहीं पे स्टक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इन दोनों को ऑप्शंस को आपको चेक करना होगा, जो वाइप के लिए यानी ताकि आपका डिवाइस न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट करके आपका डिवाइस एक बार रिस्टार्ट हो जाए, रीसेट हो जाए, तो जिससे आपका डिवाइस ईजिली रिबूट हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को चेक करके आपको फ्लैश पे क्लिक करना है। फ्लैश पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास एक ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा वेट फॉर फ्लैश बूट। तो आपने आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो 2012 में कौन सा करते हैं आपको अनप्लग द डिवाइस, पहले तो आपका डिवाइस अपने सिस्टम से अगर कनेक्ट कर रखा है तो उसे हटा दीजिए। सेकेंड है आपका पावर ऑफ द डिवाइस, आपका डिवाइस अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिए। देन प्रेस द वॉल्यूम डाउन बटन एंड प्लग इन द USB। तो आपको वॉल्यूम डाउन की दबानी है और USB से कनेक्ट करना है। लेट आई शो यू, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको वैसे आपको वॉल्यूम डाउन की प्रेस करनी है और देन आपको आपको USB लगानी है। देख लीजिए आपके सिस्टम में फ्लैशिंग ऑन हो चुकी है। एंड प्लीज़ इस प्रोसेसिंग में अपने डिवाइस को रिमूव मत कीजिएगा, ताकि ये आपकी प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद में आपको रिमूव करना है, वरना आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर ब्रेक भी हो सकता है अगेन। सो लेट दिस प्रोसेस कंप्लीट। तो आपकी जो फ्लैशिंग है कंप्लीट हो चुकी है। लेट आई शो यू, देख लीजिए यहाँ पे फ्लैशिंग फिनिश। प्लीज अनप्लग एंड स्टार्ट योर फोन। सो आपका सिस्टम का काम हो चुका है, सिस्टम को बंद कर सकते हैं आप। मैं आपको फोन में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसे USB से रिमूव कर सकते हैं। स्टार्ट करना है वैसे आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। इसकी कुछ लोडिंग चल रही है लैंग्वेजेस वगैरह, तो आपको अपनी पर्टिकुलर जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपको चूज कर लेनी है। बस तो आपका डिवाइस सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है, और अगर आपको लगता है कि आपके डिवाइस के IMEI आपके जा सकते हैं, तो आपको
आपको मैं चेक करके बता देता हूँ, आपके IMEI सेफ रहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, तो आपकी IMEI भी सेफ है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी इशू आता है इस प्रोसेसिंग में तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फाइल डाउनलोड में कोई भी इशू आता है मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।